प्रदर्शन बस्तर पर भाजपा अब जुड़ चुकी है अने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बस्तर पहुंच रहे हैं। मां दंतेश्वरी मंदिर जाएंगे जेपी नड्डा, भाजपा कोर कमेटी की बैठक भी लेंगे, लालबाग मैदान में सभा को संबोधित भी करेंगे। आज का दिन बेहद खास है, भाजपा कोर कमेटी की बैठक लेने के लिए जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। तो बस्तर में आगाज हो रहा है भाजपा का, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बस्तर दौरे पर पहुंचेंगे। सियासी जो है वो हलचल आज खासतौर से दिखाई देगी। इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी ताकत जो है वो झोंकती हुई नजर आ रही है। और ये भी कहा जाता है बस्तर के लिए खासतौर से कि छत्तीसगढ़ की सत्ता का रास्ता अगर है कहीं से तो वो बस्तर से ही है, और जिस पार्टी ने बस्तर की सभी सीटों पर अगर कब्जा कर लिया तो वो सत्ता की पहुंच जो है वो उसके लिए आसानी से बनती नजर आती है। और यही वजह है कि जेपी नड्डा जो है वो आज बस्तर में पहुंच रहे हैं, लालबाग मैदान में सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तमाम जो तैयारियां हैं पहले से कर ली गई हैं, 12 सीटों पर जिस तरह से हार हुई उससे लेकर लोकसभा की एक सीट भी गंवानी पड़ी भाजपा को, तो हारी सीटों पर भाजपा खास तौर से फोकस करती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पहुंच रहे हैं बस्तर दौरे पर। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे जीवानंद हल्दर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, वहां से जाने की कोशिश करते हैं। जीवानंद, जगदलपुर की अगर हम बात करें क्या जानकारी, क्योंकि आज जो है वो खास तौर से जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचने वाले हैं, ऐसे में तमाम जो तैयारियां पहले से कर ली जा रही हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कहा भी जाता है बस्तर के लिए कि अगर छत्तीसगढ़ का रण जीतना है तो बस्तर को साध लिया जाए तो कवायद जो है वो पूरी हद तक दूर हो जाती है। और यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने बजे पहुंचेंगे, क्या तैयारियां? देखिए, निश्चित तौर पर जो जेपी नड्डा जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बस्तर प्रवास पर आ रहा है और मिशन 2023 की जो चुनावी शंखनाद इसी बस्तर से करेंगे। बताया जाता है कि वो आपको बता दूं, जिस तरह से आज जेपी नड्डा जी का यहाँ पर प्रवास है, आज ठीक 11:30 बजे वो जगदलपुर पहुंचेंगे, वहां से सीधा वे दंतेश्वरी मंदिर माता जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद भाजपा कार्यालय में जाकर कोर कमेटी बैठक लेंगे। तो निश्चित रूप से ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी उत्साह का माना जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का बस्तर दौरा कहीं ना कहीं मिशन 2023 की आगाज है। आप देख सकते हैं तैयारी की अगर बात करूं, तैयारी देख सकते हैं, ये मंच है और इसी मंच में से ही वो आज मिशन 2023 की शंखनाद करेंगे और ठीक 11:30 बजे जब वहां से पहुंचेंगे उसके बाद फिर दंतेश्वरी मंदिर जाएंगे और उसके बाद कोर कमेटी की बैठक करेंगे। और यहाँ की अगर नजर देखिए, यहाँ पर करीबन 50 से 60 हजार लोगों जो भीड़ है उन्हें आने की आशंका बताई जा रही है, क्योंकि ये लालबाग मैदान में ये हो रहा है सभा। और इस अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री केदार कश्यप जी, उनसे अपन जानने की कोशिश करेंगे। केदार जी, मिशन 2023 का आगाज का शंखनाद करेंगे, कितना उत्साह है? देखिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ राजनीतिक रूप से साजिश हो रही है और कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेताओं के ऊपर आक्रमण हो रहा है और जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं से ये इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस की ये सरकार बैकफुट पे है और उसके चलते वो उनकी सुरक्षा मुहैया नहीं कर पा रही है और इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। और हमारा पूरा वो है कि कहीं ना कहीं से इसमें जो लोग संदिग्ध हैं और जो लोग राजनीतिक घटना उसमें इनको साजिश के तहत में हमारे लोगों को मार रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो। और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आएगी, यहाँ पर सरकार में। देखिए, बड़ी दुखद है कि नड्डा जी का यहाँ पे प्रवास है और वहाँ पर नारायणपुर में भाजपा के जो उपाध्यक्ष उनकी नक्सलियों ने करतूत उसके मौत की घाट उतार दिया है, ये तो दुखद है। लेकिन आज जिस समय पहुंचेंगे नड्डा जी, उनके मिनट टू मिनट अगर प्रवास की बात करें, क्या प्रोग्राम है आज? आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे और उसके बाद सीधा मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चना करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में जाएंगे, वहाँ पर कोर कमेटी की बैठक होगी, उसके पश्चात यहाँ सभा स्थल में आएंगे और उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी का नारायणपुर का प्रवास है।
आप निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि ये आज बड़ी सभा होने जा रहा है और इसके लेकर तमाम जो तैयारी है वो कर ली गई है। और सुरक्षा की अगर बात करें, सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम है, चाहे एयरपोर्ट की बात करें, चाहे सभा स्थल की बात करें या चाहे दंतेश्वरी मंदिर की बात करें, सभी जगह पे चप्पे चप्पे के में पुलिस बल का तैनात किया गया है। और सबसे पहले एक चीज बता देना चाहूंगा कि आप देख सकते यही मंच से जो जेपी नड्डा जी है वो मिशन 2000 यानी छत्तीसगढ़ में जो आने वाले जो चुनाव है उनका शंखनाद करेंगे। और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और ये उत्साह आज देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि तमाम जो कुर्सियां लगी होगी यही मंच है, यही लालबाग ग्राउंड है। इससे पहले बड़े बड़े जो नेता है, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें या केंद्र लेवल की बात करें, यहाँ इंदिरा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू इसी मैदान में अगर आपने बस्तर को सौगात दी, बस्तर वासियों से बात की, और वही मैदान है जहाँ पे आज जो जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से ये भाजपा के लिए एक बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। क्योंकि आज से ही वो कोर कमेटी की बैठक होगा और कोर कमेटी की बैठक में ये तय की जाएगी कि चुनाव की रणनीति बताई जाएगी। चुनाव की रणनीति क्या है, बिल्कुल जीवनानंद, खासतौर से अब देर शंखनाद का जो आगाज है वो बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पहुंचेंगे तमाम तैयारियां पूरी तरह से, कार्यकर्ता जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं। नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो भाजपा का मिशन बस्तर शुरू हो चुका है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एक दिवसीय बस्तर दौरे पर पहुंचेंगे। पिछले 6 महीने में उनका ये दूसरा छत्तीसगढ़ का दौरा है। विधानसभा चुनाव के पहले नड्डा के दौरे को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि भाजपा उनके दौरे से बस्तर में विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज करने जा रही है। दौरे के दौरान नड्डा 5 घंटे तक बस्तर में ही बिताएंगे। सुबह 11 बजे दिल्ली से सीधे बस्तर पहुंचने के बाद शाम 4 बजे वापस लौटेंगे और इस बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की एक बड़ी सभा बस्तर के लालबाग मैदान में आयोजित होगी। इसके पहले लोकसभा कोर कमेटी की बैठक भी लेंगे जिसमें लोकसभा के पदाधिकारी और कोर ग्रुप के सभी सदस्य शामिल रहेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में बस्तर में भाजपा की बुरी स्थिति रही। बस्तर की सभी 12 विधानसभा सीटें गंवाने के साथ एक लोकसभा सीट में भी भाजपा को हार मिली थी और यही वजह है कि खास तौर से इस बार पुरजोर कोशिश करती हुई भाजपा नजर आ रही है।